हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल 2016 और 2022 के कुछ सिमिलर मोमेंट्स की। क्रिकेट में एक दो सिमिलर मोमेंट्स का होना नॉर्मल बात है। जैसे मान लो टीम इंडिया किसी एक डेट को जितने रनों से मैच जीती, दो तीन साल बाद उसी डेट को फिर उतने ही रनों से मैच जीतती है, तो एक दो ऐसे कोइंसिडेंस होते हैं। पर इस वीडियो में आईपीएल 2016 और 2022 की एक या दो नहीं, सात ऐसे सिमिलर मोमेंट्स की बात करेंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे ये कैसे हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है केएल राहुल ने 2016 और 2022 को गुजरात टीम के खिलाफ पहले ही बॉल पर डक पर आउट हुए। 2016 में गुजरात लायंस और अब गुजरात टाइटंस के खिलाफ केएल राहुल पहले ही बॉल पर डक पर आउट हुए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है किसी खिलाड़ी ने एक टीम के खिलाफ दोनों मैचों में सेंचुरी लगाए हो। 2016 में विराट कोहली ने गुजरात लायंस के खिलाफ दो सेंचुरी लगाए थे और अब इस सीजन केएल राहुल ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ दोनों मैचों में सेंचुरी लगाए हैं। इनके अलावा किसी खिलाड़ी ने एक सीजन सेम टीम के खिलाफ दो सेंचुरी नहीं लगाए हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर है गुजरात लायंस। 2016 में पहले सात मैचों में लगातार तीन जीत, उसके बाद एक हार और फिर लगातार तीन मैच जीती थी। और इस सीजन गुजरात टाइटंस ने भी इसी क्रम में पहले सात मैचों में छः मैचों में जीत हासिल की। उसके बाद फोर्थ नंबर पर है धोनी की टीम, तब राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स पॉइंट टेबल में सेकेंड लास्ट पोजिशन पर थी और इस सीजन भी सेकेंड लास्ट पोजिशन पर है, लेकिन अभी चार मैचेस बचे हैं, सीएसके ऊपर भी जा सकती है। उसके बाद पाँचवें नंबर पर है गुजरात की टीम, तब भी पॉइंट टेबल में टॉप पर थी और इस सीजन भी टॉप पर है। हाँ, पता है ये दोनों गुजरात अलग है, पर था तो गुजरात का ही टीम ना। उसके बाद छठे नंबर पर है एक बल्लेबाज जो रॉयल टीम से है, ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे हो, तब विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलते हुए 973 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम किए थे और इस सीजन राजस्थान रॉयल्स से जॉस बटलर ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे हैं। अब देखना होगा जॉस बटलर विराट कोहली से ज़्यादा रन बना पाते हैं कि नहीं, या उनके कितने करीब पहुँच पाते हैं। उसके बाद सातवें नंबर पर है विराट कोहली ने 2016 को 24 अप्रैल के दिन सेंचुरी लगाए थे और इस सीजन केएल राहुल ने 24 अप्रैल को ही सेंचुरी लगाया। तो ये कोइंसिडेंस आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।